गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नेम है लेटर टू गॉड। तो आइए हम रीड करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, दिस से फैथ कैन मूव माउंटेंस बट व्हाट शुड वी पुट आवर फैथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। लेंकू इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, asking for 100 pesos. Does Lanko's letter read God? Does God send him the money? Think what yours to these questions would be, and guess how the story continues before you begin to read it. Means, कहते हैं आस्था या विश्वास कह लीजिए पहाड़ों को हिला सकती है, लेकिन हमें अपना विश्वास किस पर रखना चाहिए, यही सवाल यह कहानी कुशलतापूर्वक उठाती है। लेंको एक किसान है जो अपनी फसल बर्बाद होने पर ईश्वर को एक पत्र लिखता है, 100 pesos मांगता है। क्या लेंको का पत्र ईश्वर तक पहुंचता है? क्या ईश्वर उसे पैसे भेजते हैं? सोचिए कि इन सवालों के आपके जवाब क्या होंगे। और इससे पहले कि आप इसे पढ़ना शुरू करें, अनुमान लगाएं कि कहानी कैसे आगे जारी रहती है। ओके, आइए आगे हम पढ़ेंगे। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कूड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। The only things the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lanko knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. Now we are really going to get some water, woman. इसकी कुछ हार्ड मीनिंग है जिसको हम आपको बताएंगे। यहाँ लिखा हुआ क्रेस्ट मीन्स होता है शिखर, और डॉटेड मीन्स होता है छितरे हुए या फैले हुए, और डाउन पोर मीन्स होता है तेज वर्षा, और इंटीमेटली मीन्स होता है अच्छी तरह परिचित। और इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे इस चैप्टर का हिंदी तो हमने पढ़ा, द हाउस ओनली इन द एंटायर वैली मीन्स पूरी घाटी में एक ही घर था जो एक निचले पहाड़ी के शिखर पर स्थित था, और इस ऊंचाई से कोई भी नदी को और इधर उधर छितरे हुए या फैले फूलों से युक्त पक्के मक्का के खेत को, जो सदैव ही अच्छी फसल देता था, देख सकता था। धरती को केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी, वह थी तेज वर्षा या कम से कम अच्छी बौछार की। सुबह से ही लैंको, जो अपने खेतों से अच्छी तरह परिचित था, उसने उत्तर पूर्व में आकाश की ओर निहारने के अलावा और कुछ भी नहीं किया था। अब हमें वास्तव में कुछ पानी वर्षा मिलेगा, महिला। नेक्स्ट पैराग्राफ, द वुमेन हू वॉज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल्ड द स्मॉलर वंस ऑफ लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज Lanko had predicted big drops of rain begin to fall in the northeast, whose mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The men went out for no other reason than to have a pleasure of feeling the rain on his body, and when he returns, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins, the big drops are 10-cent pieces and the little coins are 5. Harvard meaning, supper means होता है रात्रि का भोजन, और predicate means होता है भविष्यवाणी करना, और अप्रोचिंग मीन्स होता है निकट आते हुए, और एक्सक्लेमेट मीन्स होता है आश्चर्य से कहा। और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, महिला जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी उसने उत्तर दिया, हाँ ईश्वर की इच्छा है ना। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे जबकि छोटे लड़के घर के समीप खेल रहे थे। जब तक कि उस महिला ने उन सभी को रात्रि भोजन पर आने को नहीं बुलाया, भोजन के दौरान जैसा कि लैंको ने भविष्यवाणी की थी,
वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व में बादलों के बड़े बड़े झुंड आते हुए देखे जा सकते थे। हवा ताजी और मधुर थी। आदमी जो लैंको था किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर निकला। जब वो लौटा तब उसने आश्चर्य से कहा, आकाश से गिरती हुई ये पानी की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 के। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. In the end, एक्सप्लेनेशन एंड संतुष्ट भाव और व्यक्ति के साथ अपने बारिश के पर्दे में लिपटी अपने पुष्पों से युक्त पक्षियों ही मक्के के खेत को ध्यान से देखा, परंतु अचानक तेज हवा आंधी चलने लगी और वर्षा के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये वास्तव में चांदी के नए सिक्कों के समान थे। लड़के वर्षा में भींगते हुए इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail ran on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the well valley. The field was white as if covered with the salt. आदमी लैंको ने आश्चर्य कहा, और यह वास्तव में बुरा हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी ही गुजर जाएगा। और जल्दी नहीं गुजरा। एक घंटे तक घर, बगीचे, पहाड़ी, मक्का, खेत, संपूर्ण घाटी पर ओले पड़े। खेत सफ़ेद हो गया मानो कि वह नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। लैंको Saul was filled with the sadness. When the storms had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." The night was a sorrowful one. All overwork for nothing. There's no one who can help us. We will all go hungry this year. वृक्षों पर एक पत्ते भी नहीं बची। अनाज पूरी तरह बर्बाद हो गया। पौधों से फूल झड़ गए थे। लंको की आत्मा दुखी और उदास से भर गई थी। जब तूफान गुजर गया वह खेत के मध्य खड़ा हो गया और अपने बेटों से बोला, टिड्डियों के आक्रमण के बाद भी इससे ज़्यादा ही बचता है। ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। इस साल हमारे पास बिल्कुल अनाज नहीं होगा। वह एक दुखद रात थी। हमारा सारा कार्य मेहनत बेकार हो गया। यहाँ कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे, ये लैंको ने कहा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। डोंट बी सो upset, even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. इसका solitary means होता है एकांत और hunger means होता है भूखा, है ना। हिंदी इसके हम explain करेंगे आपके लिए। परंतु सभी के हृदय में जो घाटी के मध्य उस एकांत मकान में रहते थे वहाँ एकमात्र आशा थी ईश्वर से सहायता। इतना परेशान मत हो, यद्यपि सब कुछ नष्ट हो गया लगता है, याद रखो भूख से कोई नहीं मरता। यही तो लोग कहते हैं, भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लैंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज as he had been instructed see everything.
इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस लैंकू वॉज ऑक्स ऑफ अ मैन ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउस टू राइट द फ्लोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल इट वॉज नथिंग लेस देन एट लेटर टू गॉड। सारी रात लैंको ने केवल अपनी एक ही आशा के प्रति सोचा, वह थी भगवान की सहायता, जिसकी आंखें सब कुछ देखती है जैसा कि उसे निर्देशित किया गया। चाहे किसी की चेतना में वह कितना भी गहरा हो, लैंको मेहनती व्यक्ति था जो खेतों में जानवर की तरह काम करता था, परंतु फिर भी वह लिखना चाहता था। अगले रविवार को दिन निकलते ही उसने एक पत्र लिखना आरंभ किया, जिसे वह स्वयं कस्बे में ले जाएगा और डाक में डाल देगा। यह ईश्वर के लिए पत्र से कम कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल। Went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. Hungry means hota hai bhooka aur hailstorm means ole ka tufaan. Envelope means hota hai lifafa aur troubled means hota hai pareshan hona. Kyunki wo troubled ho raha tha. Iska hindi hum aapko batayenge. हे ईश्वर, उसने लिखा, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरे परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। अपने खेत को पुनः बोने के लिए और जब तक फसल नहीं आती है तब तक जिंदा रहने के लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत होगी। क्योंकि ओलों के तूफान ने, उसने लिफाफे के ऊपर लिखा भगवान को पत्र, पत्र को लिफाफे के अंदर रखा और परेशानी में ही शहर चला गया। डाक घर पर उसने पत्र पर टिकट लगाया और उसे डाक पेटी में डाल दिया। आगे है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड सोवेड हिम द लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ई नोन दैट एड्रेस द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and stamping the letter on his desk commented, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter starting up correspondent with God। एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकखाने में सहायता भी करता था, वह जोर से हंसता हुआ अपने बॉक्स अधिकारी के पास गया और अपने बॉस अधिकारी के पास गया और ईश्वर को लिखे गए पत्र, उस पत्र को उसे दिखाया। डाकिया के रूप में उसने अपने सेवा काल में कभी भी ऐसे पते को नहीं जाना था और वह पोस्ट मास्टर से जो मोटा और मिलनसार व्यक्ति था वह भी जोर से हंसने लगा, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो गया और पत्र को डेस्क पर थपथपाया और टिप्पणी की, कितनी आस्था, मैं चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने यह पत्र लिखा है उसका विश्वास रखूं, जिसने ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार आरंभ किया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइट्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर अप विथ एन आइडिया आंसर द लेटर बट व्हेन द ओपन इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. Hard money means goodwill means होता है सद्भावना और evidence means स्पष्ट और resolution means इरादा या संकल्प लिया। Charity means एक उदार पूर्ण कार्य करने वाली कंपनी होती है। ठीक है, अब हम इसका मीनिंग बताएंगे आपको। इसलिए पोस्टमास्टर को पत्र का उत्तर देने का विचार आया ताकि लेखक का ईश्वर में विश्वास डगमगा न जाए, किंतु जब उसने उसे खोला या स्पष्ट था कि उसका उत्तर देने हेतु सद्भावना या उसके अंदर उदारता आई, स्याही
और कागज के अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए था, किंतु वह अपने इरादे पर अटल रहा। उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा, उसने स्वयं अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया और उसके काफ़ी मित्र भी उदारता के काम के लिए कुछ देने के लिए दयालु हुए या आभारी हुए, तैयार हो गए देने के लिए, और उन्होंने दिया, उसका हेल्प किया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसका। इट वॉज द इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन द हाफ। He put the money in an envelope addressed to Lanko and with it letter containing only a single word as a signature God. Means उसके लिए यह असंभव था कि एक साथ 100 pesos इकट्ठा करे, तथा और वह किसान को केवल आधे से कुछ अधिक ही भेजने में समर्थ था। उसने पैसों को एक लिफाफे में डाला और लैंको का पता लिखा और साथ में एक पत्र भी डाला जिस पर केवल हस्ताक्षर केवल एक शब्द लिखा था, ईश्वर। ओके, तो मेरे प्रिय बच्चों, इस प्रकार लैंको ने ईश्वर को पत्र लिखा जब उसके सारी फसल खराब हो गई थी, और तब उसको एक ही सहायता के लिए एक ही चीज़ नज़र आया, वो है ईश्वर, उसकी सहायता करने की आशा थी, वो ईश्वर से थी, तो इसलिए उसने डिसाइड किया और ईश्वर के एक पत्र लिखा। उसको 100 rupees चाहिए था पूरे साल चलाने के लिए, और वो पैसा ईश्वर के लेटर जो है वो ईश्वर के नाम से डाला था। तो उसका हेल्प कौन किया? पोस्टमास्टर ने किया, और उन्होंने अपने साथियों से कुछ पैसे तो पूरा तो नहीं भेजा, हाफ ही उन्होंने भेजे, और केवल सिंपल ईश्वर का सिग्नेचर करके भेजा ताकि लैंको का विश्वास ना टूटने पाए। तो इसलिए इस चैप्टर के हमने हाफ आपको चैप्टर समझाया है, हाफ इसका दूसरा भाग दूसरे वीडियो में देंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता। और इंग्लिश और हिंदी दोनों पैराग्राफ मैंने आपको समझाया है, आप इसे पढ़ें समझें, और इसके क्वेश्चन आंसर भी लास्ट में हम आपको देंगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।